पेरिस में सैलाब जदगान के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी का पब्लिक फंड रेजिंग का प्रोग्राम हुआ। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में पाकिस्तान में सैलाब जदगान से मुतासर होने वाले अफराद के लिए पहला पब्लिक फंड रेजिंग प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद के साथ साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सिफारतखाना, पाकिस्तान के नुमाइंदे, सियासी समाज और बिजनेस कम्युनिटी की शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम शुरू होने से कबल ही लोगों ने हथियार जमा करवाए शुरू कर दिए। सरपरस्ती आला बिजनेस फोरम फ्रांस मोहम्मद इब्राहिम डार ने 10,000 यूरो, चेयरमैन बिजनेस फोरम फ्रांस ऑर्गेनाइजर मेजबान सरदार जहूर इकबाल ने अपने फैमिली और दोस्तों के तरफ से 16,000 यूरो, बिजनेस फोरम के सदर हाजी मोहम्मद असलम चौधरी ने अपनी फैमिली और दोस्तों की तरफ से 13,000 यूरो से जायद के अतियात जमा करवाए। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का पहला प्रोग्राम था जिसमें अतियात के वादे नहीं किए गए बल्कि अमली तौर पर मौका पर अतियात जमा कराए गए। तमाम अतियात मुस्लिम हैंड्स फ्रांस के जरिए सैलाब मुतासिर तक पहुँचाए जाएंगे। इस मौका पर ऑर्गेनाइजर और मुस्लिम हैंड्स फ्रांस के डॉक्टर मुबशर मलिक ने तशरीफ लाने और डोनेट करने वाले तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम का मकसद, जैसे यासर साहब ने बयान किया, सिर्फ पाकिस्तान के लिए फंड रेजिंग है और ये हमारी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त आफत आई है उस आफत का मिलकर मुकाबला करें। बहुत ज्यादा हमें जो आप लोगों से एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हो रही है बिल्कुल, कि हमेशा आप जब भी कोई वतन मुश्किल फेस करता है तो आप लोग हमारे साथ होते हैं। मैडम ला कंसेलर रिप्रेजेंटेंट अंबेसडर डू पाकिस्तान, merci aussi pour votre présence. Merci tout d'abord de m'avoir invité à ce moment de solidarité, à ce moment de partage pour apporter notre soutien et notre solidarité aux populations pakistanaises. Main jo message dena cha rahi hu ki is waqt aapka koi bhi political party, jis bhi aap political party ke ho, jo bhi aapka mazhab ho, jo bhi aapka culture ho, ऐसे मौके पे हम सबको साथ होना चाहिए। एक काफी जरूरत है संडे वास्ते जेडे भी इत्थे बसदे आ आपां अपना खुशोकर नूं ध्यान करिए ते उत्थे मदद करिए। दूजी गल मैं तां फ्रेंच विच गल करूंगा, खास तौर ते आ जिहड़ी ला सिचुएशन पाकिस्तान पार्टिकुलर ए एक्सट्रीमेंट ग्राव, मैं ce qui est triste c'est que les médias occidentaux ne parlent pas du tout de la situation du Pakistan. ओवरसीज पाकिस्तानी जब भी इनके दिल अपने वतन के साथ धड़कते हैं, पाकिस्तान में जब भी कोई खुशी का मौका हो या कोई आफत हो, तो सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी उसको खुशी से भी मनाते हैं और जब कोई आफत हो तो अपने आफतजदा भाइयों के साथ दिलो जान से, जानो माल से खड़े होते हैं।